के दूसरे कलाकार को यानी पंडित विप्लव भट्टाचार्य जी को, जो आज आपके सामने एकल तबला वादन पेश करेंगे। आपके पिता प्रख्यात वादक पंडित कन्हाई भट्टाचार्य से आपने पहली संगीत की प्रारंभिक शिक्षा पाई और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वादक पंडित शंकर घोष से आपने तबला वादन की विधिवत शिक्षा ली। बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं वादन के क्षेत्र में जो संगीत की तीनों विधाओं में उतने ही अधिकार से बजा सकते हैं। संगीत की तीनों विधाएं यानी गायन, वादन और नृत्य, और पंडित विप्लव भट्टाचार्य एक ऐसे कलाकार हैं जो कुछ गिने चुने कलाकारों में से है जो इन तीनों विधाओं में बखूबी अधिकार पूर्ण रूप से बजाते हैं। अब तक 20 से ज़्यादा देशों में आपने अपनी कला का प्रदर्शन किया है और जिनमें खास तौर से मैं बताना चाहूँगी कि लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में, न्यूयॉर्क के कॉर्नेट हॉल में, वॉशिंगटन कैनेडी सेंटर में, साउथ अफ्रीका के इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में और इसके अलावा अन्य कई प्रतिष्ठित समारोहों में आपने अपने वादन का जादू बिखेरा है। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं पंडित विप्लव भट्टाचार्य जी का। आपके साथ आज हारमोनियम पर लहरी की साथ करेंगे सुभाशीष भट्टाचार्य, जो पंडित संजीव बंदोपाध्याय के सुशिष्य हैं। और हालांकि हमने इनका संगत करने वाला वादन तो सुना है कल, लेकिन आज जब एकल वादन पेश करेंगे तो उसमें बहुत सी खूबियां हमें नज़र आएंगी जो अलग कुछ होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने भारत का नाम और हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारे संगीत का नाम रोशन किया है, ऐसे पंडित विप्लव भट्टाचार्य। और इन दो कलाकारों का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रीति तिसगांवकर जी को कि आप आएं और इन दोनों कलाकारों का स्वागत करें। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे नाम से पहले एक छोटी सी बात जिसका मतलब यूनिवर्स के तरह बड़ा हो सकता है। पंडित, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं मेरे जिंदगी भर पंडितों की सेवा में मेरा साधना समर्पण कर सकूँ। आज दिलीप चाचा जी ने दूसरी बार हमको मौका दिया आप सबके सेवा में। मेरा बस, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं सीख रहा हूँ बनारस और फर्रुखाबाद दोनों घर में। बस आप सबके चरणों में निवेदन। और बस आज मैं मेरा तबला, जो भी मैं टूटा फूटा कुछ प्रयास करूँगा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा बुखार भी है, जो भी हो, करीब एक महीना पहले बनारस घराने की प्रसिद्ध और वरिष्ठ पंडित शारदा सहाय जी हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। तो मैं उनके स्मृति में मेरा तबला आज डेडिकेट करना चाहता हूँ। और ग्वालियर ऐसे ही एक क्षेत्र है जो मेरे ख्याल से एकताल की जगह है। तबले में जितने ताले हैं, ग्वालियर घराने में तो बहुत सारा तालों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर गायक गायिका लोग, ये लोग तो माफ़ कीजिएगा, मेरे हिंदी बहुत ही कमज़ोर है तो मेरे बात के ऊपर ध्यान मत दीजिए, मेरे व्हाट आई वांट टू एक्सप्रेस वही सुनिए। देखिए, मैं कलकत्ते की औलाद हूँ, बंगाल की, जहाँ ताल और लय का बहुत रिसर्च वर्क होता है, होती है, और बहुत बुजुर्गों को मैं सुनते आ रहा हूँ, बहुत मौका मिलता है, लेकिन विलंबित एक ताल में तबला सोलो मैंने कभी नहीं सुना।
विलंबित एकताल ज्यादातर इस्तेमाल होती है संगत के लिए, तो आज बस मैं प्रयास करूंगा मध्य विलंबित एकताल में तबला सोलो, आखिर में तीन ताल से हम समाप्त करेंगे। कुछ खास बंदिशें जो पिछले बार हम बजाए नहीं, इस बार हम सुनाने का कोशिश करेंगे, और अगर कुछ अच्छे लगे तो मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, सब मेरे गुरुजी की देन है, पंडित शंकर घोष जी और मेरा पापा पंडित कन्हई भट्टाचार्य जी, और कुछ गलतियां हो जाए वो सारे जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं उठान से शुरू कर रहा हूँ बनारस घराने की मध्य विलंबित एकताल राग गोरख कल्याण। Thank you.
बैठी हुई नहीं है, सब सारे तिहाइयां यहीं पे ही बन रही है। अच्छा, ऑडिटोरियम में और थोड़ा लाइट हो सकता है, क्योंकि मेरा थोड़ा आंख कमजोर है, नहीं तो आप लोग हाथ उठाएंगे हम वहां से तिहाई लेके सम पे आएंगे। बस कोशिश। सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मेरे गुरुजी की एक पंडित शंकर घोष जी की एक अनोखा अंदाज खंड जाति में पेशकार। धागर धिन धार धा धिन धा तक धागन धाती तक धिन धाती तक तुम धाती तक धिन लगन तक धाग धाती तक धिन लगन तक धाग धाती तक धिन लगन तक देख दे धार धा धिन धाती का अंदाज देखिए।
अपर्णा जी, गायन में जैसे मूर्छना की कॉन्सेप्ट है, तो ताल में भी मूर्छना लेके मैंने थोड़ा सोचने का कोशिश किया। एक स्वर को दूसरे राग का, जैसे अब होगी मैं, आप लोग जानते ही हैं ये बात, उन लोगों के लिए ये मैसेज, जिन लोगों का इसका मतलब ध्यान रखने की प्रयास है लेकिन इसका जानकारी नहीं है, बस उन लोगों के लिए माफ कीजिएगा। मध्यम को सा मान लिया जाए तो कलावती आ जाएगी। तो एक ताल में देखिए, कहीं से भी दूसरा कोई ताल का अंदाजा तीसरे गति में, ये मैंने थोड़ा सोचा। चौताल थोड़ा सह लीजिए, मेरा गला बहुत बेसुरा है।
कायदा बहुत ही पुरानी है। मेरे पापा पंडित कान्हाई भट्टाचार्य जी हमको बहुत बचपन में सिखाए थे और ये कायदा उन्होंने पंडित कान्हाई दत्त जी से सीखे थे। क्या मतलब इसका चाल देखिए। अच्छा, एक छोटी सी मज़ेदार चीज़, लेकिन ये भी पारंपरिक है, कोई गिमिक नहीं है, मतलब उस ज़माने की गिमिक है, लेकिन ये भी फरमाइशी गिमिक। कैसी? लखनऊ में उस्ताद लखनऊ नवाब वाजिद अली शाह बहुत ही शौकीन थे गाना बजने की, खुद कथक भी नाचते थे। अख्तर पियाओ उनका तखल्लुस आप सब जानते होंगे, बाबुल मोरा नैहर छूट हो जाए उनकी लेख है। उनका दरबार में जो तबला वादक थे उनको उन्होंने फरमाइश किए थे कि भाई देखो ये गुड़गुड़ा मैं पी रहा हूँ, इसका जो गुड़क गुड़क जो आवाज़ निकल रहा है, इसका कोई इस तरह का कोई आवाज़ तबले से निकल सकता है? जी हुजूर, कोशिश जारी रहेगा। तो उस समय जो चौड़े मुँह का तबला इस्तेमाल होता था, तो देखिए ये जो आइडिया पंडित जयंत बोस जी, पंडित कुमार बोस जी का मझले भाई, वो विलक्षण आचार्य है हमारे कलकत्ते में, तो उन्हीं से ये आइडिया मैंने लिया। इसका नाम है शाही मुद्रा, मतलब बादशाह जिस मुद्रा से गड़गड़ा मतलब गुड़गुड़ा पीते थे, हम लोग बंगाल में गड़गड़ा बोलते हैं इसको, गुड़क गुड़क जो साउंड, पारंपरिक है ये, कोई गिमिक नहीं है। शाही मुद्रा।
आगा खान साहब। सलारी मियां खान साहब।
इसका नाम हो सकता है कि टू इन वन रेला। देखिए इसमें रेला तो चल ही रहा है अपने हिसाब से, और इसमें तीन ताल का कैसे अंदाज आ सकता है और रेला को कायम रखते हुए। गिरकिट बाद में बजाएंगे, इसके अंदर गिरकिट आ सकता है जैसे।
छोटी सी बात। दादा पंडित नानकू महाराज जी पापा से सीखा इसको क्या बंदिश लगी है सारे लोग जितने लोग तबला बजाते हैं सबको मालूम है हमारे मोर धज भाई बैठे हुए हैं, वो विलक्षण नर्तक भी है तबला वादक भी है, कल इनका तबला आप सुनेंगे। हमारे बंगाल में दुर्गा पूजा हमारे सबसे ग्रेट फेस्टिवल है, तो वहाँ हमारे बंगाल का जो अपना ड्रम, हम लोग ढाक बोलते हैं इसको, तो ढाक का एक अलग छंद है और उसके साथ एक कांसर हम लोग बोलते हैं इसको, ढाक और कांसर मिला के जो एक अनोखा म्यूजिक पैदा होता है रिदम। तो पंडित शुभंकर बंदोपाध्याय वरिष्ठ तबला वादक मेरे बड़े भाई जैसे, तो शुभंकर दादा ने हमको ये अंदाज बताए हैं, बस मैं प्रयास कर रहा हूँ, फिर तीन तल बजाएंगे। Thank you.
चाचा बोल रहे हैं कि 5 मिनट नहीं, रात भी हो गया, मेरे बाद भी आर्टिस्ट है, बस 3 ताल में 2-4 चीजें वही सुनाएंगे। दिन दिन ना धा दिन दिन ना ना दिन दिन देखिए चक्रधर ये चक्रधर एक ताल में भी आएगा, उसी हिसाब से बनी हुई है। और एक चक्रधर देखिए, धन धन राधा धन्ना चक धत्ता चक कद्दी कट धन नरक काल नरक धर धक दिन नरक धक धां 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 गना धक दिन नरक धक धां 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 गना धक दिन नरक धक धां 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 दिन चक धत्ता चक कद्दी कट धन नरक काल नरक धर धक दिन नरक धक धां 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 गना धक दिन नरक धां 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 गना धक दिन नरक धां 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 दिन चक धत्ता चक कद्दी कट धन नरक काल नरक धर धक दिन नरक धां 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 समय नहीं है, बहुत ही पुरानी चीज मिश्र गति में है, कड़क बिजली पड़न इसका नाम है, डिस्टर्बिंग रेनी सीजन। गगन अब घन मेघ दारुण, देखिए इसका साहित्य देखिए, धान नगन गगदिन नगन धत्ता गगन अवघन मेघ दारुण सघन दामिनी झलकई पुलिस पातन शब्द झन झन पवन खड़तर बल गई गगन घोर घुमंड बादर धान तक धन नगन तक धन नगन तक धन नगन धान तक धन नगन तक धन नगन तक धन रे मदानी देखिए गगन अब घन में
दारुण सदन गामिनी झलक गई पुनः शपादल शब्द जन झलक गगन नृत्य नगन नृत्य गगन दागर तक दिन नन नन नगन था गगन अभगन मेघ दारुण सदन गामिनी झलक गई पुनः शपादल शब्द जन झलक पवन करतर बल गई गगन घोर घमंड दारुण धगन कत्तक कगन दिद्ध धरन दागर तक दिन नगन तक तरता गगन घोर घमंड दारुण बिजिर तब कत दमन दम कत तबित तर तर दिद्ध टिकी गत धगन क्रांतुल कत कत तरात बिज घटान घिगिनन तिगिनन 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 तरात बिज घटान घिगिनन तगिनन 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 तरात बिज घटान घिगिनन तिगिनन 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 दा और दो चीजें, टाइम नहीं है ना, क्या चाचा जी खत्म करें जी? जी 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 बस बस मेरे गुरुजी की एक दिन दिन नाना आते तो नाच का दिन दिन ना था एक चीज का रिक्वेस्ट था, बहुत छोटा करके दिखाएंगे एक मिनट में। ये ऑडिटोरियम के लिए नहीं है, कमरे के लिए है, लेकिन इसका रिक्वेस्ट था इसलिए हम बस प्रयास करेंगे। मैं 5-5 ताले एक साथ दिखाऊंगा आपके सामने, बजा के नहीं, 5 अंक से एक साथ, और 5 तालों का सम एक ही जगह पे आएगा। हमेशा ये परफेक्ट नहीं होता है, बस बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन वाला मामला है। देखिए 16 हम गिनेंगे राइट हैंड में, एक ही साथ झपताल, पैर में रूपक, एक ताल का ठेका हम पढ़ेंगे, और आंखों में 9 पलकें, मतलब 9 मात्रे। बस कोशिश करेंगे, बहुत ही मुश्किल काम है। तो 5 जातियां एक साथ, धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता ता दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता ता दिन धा दिन दिन तदा दिन दिन तदा तिन तिन तदा दिन 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 ना दिन दिन ना तिन ना दिन दिन ना दिन ना दिन दिन ना तिन ना दिन दिन ना दिन दिन धागी त्रिकट तुन्ना न कत्ता धागी त्रिकट दिन दा दिन दिन धागी त्रिकट तुन्ना न कत्ता धागी त्रिकट दिन 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 ना दिन ना दिन ना दिन दिन धागी त्रिकट तुन्ना न कत्ता धागी त्रिकट दिन दा दिन दिन धागी त्रिकट तुन्ना न कत्ता धागी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन दिन धागी त्रिकट तुन्ना न कत्ता धागी त्रिकट दिन। अंत में शिव तांडव पढ़न।
शोभित है चंद्रमा लाट पर शोभे भुजंग धर सिर जट जूट पर कट मारु आजे शूल अपनाथ अंत आगा मर पार्वती नाथ शिव शंभु विराग शिव शंभु विराग शिव शंभु विराग अच्छा गवैया है, अगले बार आप सबको गाना सुनाएंगे। अब मैं क्या कहूं विप्लव जी, आपका अंदाजे बयां ही कुछ और था और आपके तबलों के बोलों का मजा भी कुछ और था। भीषण भालो, इतना ही कह सकती हूं। अनेक धन्यवाद।